लखनऊ एमसी ग्रुप ऑफ कॉलेज में मजदूरों को बंधक बनाने का मामला आया सामने। 100 से अधिक मजदूरों को बंधक बनाकर किया जा रहा था हॉस्पिटल में एक एक्सपेरिमेंट। डॉक्टरों के ग्रुप को चकमा देकर एक मजदूर पहुंचा पुलिस के पास, लगाई गुहार। डीसीपी पश्चिम ने कई थानों की फोर्स व सीएमओ के साथ मिलकर की छापेमारी। पुलिस अधिकारी ने बंधक बने मजदूरों को कराया मुक्त, एमडी को किया गिरफ्तार। बंधक बने मजदूरों के हाथों में पुलिस को विगो लगी हुई मिली। एमसी सक्सेना ग्रुप ऑफ कॉलेज, एमसी सक्सेना ग्रुप ऑफ कॉलेज में काफी सारे लेबरों को अलग अलग जगह से लेके जाया गया है। जिनको बताया गया था उनको 400 या 500 रूपये दिया जाएगा दिहाड़ी के हिसाब से, और 3 टाइम खाने की उनकी व्यवस्था कर दी जाएगी। जो अंशु कुमार थाने पर आया, उन्होंने कंप्लेन किया। उसके बाद जब ये लोग हॉस्पिटल पहुंचे, उस हॉस्पिटल में अचानक से इनका इलाज करवाना शुरू कर दिया। उनको वहां पर बंधक बनाए रखा गया, उनको वहां से छोड़ा नहीं जा रहा था। और इसके बाद उनके शरीर में अलग दवाई और वीगो का भी प्रयोग किया। पुलिस को सूचना मिलते ही तत्काल प्रभाव से वहां पर सीनियर ऑफिसर और आसपास के 2-3 थाने के फोर्स भेज दिए गए। बाद में सीएमओ साहब की टीम वहां पर पहुंची। ये क्लियर हुआ कि जो इलाज ये लोग कर रहे थे उसमें ये लोग बीमार नहीं थे, और ये बहुत इलीगल था और अनएथिकल था। इसी आधार पे थाना ठाकुरगंज में मुकदमा लिखा गया है। इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है एमसी सक्सेना ग्रुप ऑफ कॉलेज के, डॉक्टर शेखर सक्सेना को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद।